एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चिदू वाई टीम। आप लोगों को फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके यहाँ चिदू गेमू। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का नाम है यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने का सही तरीका, द राइट वे टू पोस्ट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को पोस्ट करेंगे। यूजली हम पोस्ट तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, पर हम पोस्ट करते समय हमें उस वीडियो में किस तरीके का हैशटैग हमने लगाना है और किस तरीके का टाइटल हमने देना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल आपको समझाऊंगा। तो अगर हमें से किसी को यूट्यूब शॉर्ट क्या है ये पता नहीं है, तो इस बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देखिए और आप पता कीजिए, ठीक है। और आप भी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो और पॉपुलर भी हो सकते हैं। तो चले गाइस, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने का सही तरीका सिखाने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब ओपन कर लीजिएगा। आप भी यूट्यूब ओपन करने के बाद आप सबसे लास्ट लाइन पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर पाँच तरीके का लोगो है, होम, एक्सप्लोर है, उसके पीछे प्लस वाला बटन है, उसके पीछे सब्सक्रिप्शन है, उसके पीछे लाइब्रेरी है। तो हमें सिंपली अपने न्यू शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने या बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन पर दबाना है। जिस हम यहाँ पर दबाएंगे, यहाँ पर चार तरीके का ऑप्शन दिखाएंगे हमें, क्रिएट अपलोड है वीडियो, उसके पीछे है क्रिएट है शॉर्ट, उसके पीछे गो लाइव, क्रिएट है पोस्ट है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें आप नेक्स्ट जो हमें क्रिएट शॉर्ट पर कर देना होता है। जिस हम क्रिएट शॉर्ट वीडियो पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारे सामने टिकटॉक जैसा एक इंटरफेस आ जाएंगे। जैसे हम टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे इस तरीके का, यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से लाइव कैमरा जो है यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो जूम आउट जूम इन होगा, और नीचे आएंगे तो जूम आउट। आप इस तरीके से यहाँ से वीडियो बना सकते हैं, और उसके पीछे आप चाहे तो यहाँ पर अपना पसंदीदा म्यूज़िक भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग म्यूज़िक सॉन्ग यहाँ पर आएंगे आपको, उसके पीछे आप अपना वीडियो को स्लो मोशन या स्पीड बनाना चाहते हैं यहाँ पर स्पीड पर जाकर आप रख सकते हैं। उसके पीछे टाइमर भी है, यहाँ पर आप गाना सेट कीजिएगा, उसके पीछे आप गाना के हिसाब से अपना जो टाइम है उसको सेट कर करके आप अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। या तो फिर अगर आपने पहले से हमारी तरह रेडीमेड वीडियो एडिट करके बना रखा है, तो आपको उस वीडियो को अपलोड करना है, तब आपको क्या करना है, अपलोड पर जाना है, ठीक है। हमारे तरह अपलोड पर जाइएगा, जाने के बाद आप हमने ये वाला वीडियो को बनाया था, ठीक है, 7 सेकंड का है। तो हम इस वीडियो को आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है। हमें इसको पोस्ट करने के लिए नेक्स्ट कर देना है ऊपर में नेक्स्ट। उसके बाद आप हमें यहाँ पर टाइटल देना, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है। तो आप टाइटल चाहे तो अभी दे सकते हैं, या तो फिर हम बाद में YT स्टूडियो में जाके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने टाइटल अभी नहीं देना है, बाद में देना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेसी एक देखकर वहाँ पर आपको जाकर अपने वीडियो को प्राइवेट कर देना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अपलोड कर देंगे, और जिसे ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम आपको YT स्टूडियो में ले जाकर टाइटल किस तरीके से देना है और हैशटैग किस तरीके का लगाना है ये सब कुछ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपलोड होने देते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे अपलोड होने वाला है, ठीक है, 97% में पूछ चुका है, ये आप अपलोड हो गया। आप इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो आपको उल्टा फुल्टा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने प्रोसेस करते समय अगर आपने कुछ उल्टा कर दिया तो आपका वीडियो जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये अपलोड हो चुका होगा पर भी प्रोसेसिंग ही दिखाएगा आपका में, ठीक है, और आपका वीडियो पब्लिक नहीं हो पाएगा। तो जिसे ये प्रोसेसिंग हो जाएंगे उसके बाद हम आपको YT स्टूडियो में ले चलते हैं। तो चले गाइस, अब हम आपको YT स्टूडियो में ले चलते हैं। तो इसके बाद हमें अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम चला जाते हैं अपना YT स्टूडियो, उसके बाद YT स्टूडियो पर जाना है। जाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो 3 लाइन देख रहे हैं वहाँ पर जाना है, उसके बीच हमें वीडियोज़ पर चला जिस हम वीडियोज़ पर चला जाएंगे, अभी जो हमने रखा था वो वाला वीडियो सबसे पहला पर आएंगे। तो कुछ तरीके से आएगा, आपको उसको दबा देना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर 3 तरीके का लाइन है, तो सबसे पहले वाला पेंसिल पर आपने दबा देना है। तो जिसे हम पेंसिल पर दबाएंगे हमारे सामने कुछ तरह के इंटरफेस आएंगे। तो अब हम यहाँ से अपना टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसके पीछे टैग भी हम यहाँ से देंगे। तो अब आपको यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। टाइटल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप किसी सॉन्ग में आपने लिस्टिंग किया है तो आप उसी सॉन्ग का नाम देना है, उसके पीछे आपने किसी मूवी का डायलॉग बोला है तो उस मूवी के डायलॉग वाला सीन का नाम ले, उसके पीछे उस मूवी का नाम भी आपने दे देना, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पर मैंने आइसक्रीम जो ब्लैक पिंक का जो हाल फिलहाल में एक सॉन्ग आया था
सॉन्ग पर थोड़ा सा लिपस्टिंग किया था तो मैं, ठीक है, ब्लैक आइसक्रीम वाला एक रख देना है, ये गाना का नाम है, उसके पीछे आपको यहाँ पर एक कुछ तरीके से डॉट दे देना है, ठीक है। उसके पीछे यहाँ पर ये डॉट देने के बाद आपको यहाँ पर उस ग्रुप या फिर उस मूवी या फिर उस गाना का मूवी का नाम को आपने यहाँ पर जैसे भी देखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा आइसक्रीम गाना का नाम हो गया, जैसे ब्लैक बिंग जाए उस ग्रुप का नाम है। उसके पीछे अगर आप यहाँ पर आशिकी टू का गाना तुम ही हो अगर आपने उस पर लिस्टिंग किया है तो आपको तुम ही हो यहाँ पर लिखना है। उसके पीछे यहाँ पर डॉट देने के बाद आपको यहाँ पर आशिकी टू भी लिख देना है, ठीक है, आशिकी टू। आप ये सब करने के बाद फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से एक बार एक टिक दे देना है। उसके पीछे आइसक्रीम सॉन्ग आपने इस तरीके से लिख देना है। लिख देने के बाद हमारा टाइटल जो है अब हो गया है, ठीक है, टाइटल हो गया। आप हम यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन में आप इस गाने का, आप इस वीडियो के बारे में कुछ लिखिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं लिखूँगा। उसके बाद थार आगे हमने अपने वीडियो का प्राइवेट किया था तो आप हमें इसको पब्लिक करना है तो हमें पब्लिक पर कर देना है। उसके पीछे सबसे अहम बात, आप हमें यहाँ पर आने के बाद टैग लगाना है, ठीक है। टैग पर हम क्या लगाएंगे, आप हमें सबसे पहले तो अपना ये वीडियो जो टाइटल है उसी को हमने कॉपी कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा हमारी तरह कॉपी कर दिएगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एड पर आ जाएंगे, उसके पीछे इसको यहाँ पर पेस्ट करके उसको हैशटैग बना देंगे, ठीक है। एक हैशटैग हमारा हो गया। उसके पीछे हमें इस मूवी का नाम या फिर इस गाने का नाम फिर से हमें यहाँ पर रिपीट करना है, ठीक है। हमें फिर से लिखना है आइसक्रीम सॉन्ग, उसके पीछे ब्लैक पिंक सॉन्ग लिख देना। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है आप हैशटैग हम यूट्यूब शॉर्ट जिससे भी लिखना है, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट लिखे फास्ट, उसके पीछे फिर से आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियो लिखना है, ठीक है। उसके पीछे फिर से आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियो इंडिया लिख देना है, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपने अपना हैशटैग दे देना है। उसके बाद आपको अपने चैनल का नाम भी आप यहाँ पर चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा, और ये मेरा दूसरा चैनल है, तो मैं हौसला मेरा पाप टाइप का एक चैनल है, तो मैं इस चैनल का यहाँ पर इसका नाम भी हैशटैग पर दे दूंगा, ठीक है। उसके पीछे अपना नाम भी आप चाहे तो दे सकते हैं, सीधो मेमो टाइप है मेरा नाम। तो इस तरीके से हमें हैशटैग जो है बहुत आसान तरीके से देना है, बहुत ही बी केयरफुल देना है, बहुत ही यूजफुल वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पेंसिल वाला लोगो दे रहा है वहाँ पर जाकर चाहे तो आप अपना इस वीडियो का थंबनेल बदल सकते हैं, ठीक है, थीके? अगर आप चाहे तो, नहीं चाहे तो आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें आप नेक्स्ट क्या करना है, अब लगभग हो चुका है हमारा कैटेगरी, आपने चूज़ करना है एंटरटेनमेंट में था या फिर आपका फिल्मिंग या फिर एनिमेशन में था या फिर गेमिंग में म्यूजिक में किस में भी था, आपने उसको रख देना है मेरे एंटरटेनमेंट में रखूँगा मैं। उसके बाद हमें इसको सेव कर देना है सिंपली, ठीक है, सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव कर देंगे उसके पीछे हमें अभी यहाँ पर ताला देख रहे हैं, हम एक बार इस वीडियो को थोड़ा नीचे खींच कर इसको रिफ्रेश कर देंगे। जैसा हम रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पर जो अभी ताला था उस पर हमें अब एक गोल देख रहे हैं, यानी कि वीडियो पब्लिश में पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब ये वीडियो जो लोगों तक पहुँचेंगे और ये अगर आपका लाग अच्छा हुआ तो आपका वीडियो जो है रातों रात बहुत ही वायरल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को बनाकर पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।